हेलो, हाउ आर यू? दिस आई आरती मालवानी फ्रॉम टॉपिक्स। हम पूरे दिन में बच्चों को बहुत सारी बातें बोलते हैं ना, बहुत सारा दिन भर हमारा बच्चों के पीछे चलते रहता है ताकि वो कुछ ना कुछ सीख ले। हमको लगता है हर हर चीज में हम उनको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्टिविटी से या कोई लेसन या कोई स्टोरी, या हम भी कुछ उनको बोलते हैं। बट ओवरऑल इसका मतलब क्या होता है ना कि हमारा मकसद इसके पीछे यह है कि बच्चों को कुछ सिखाना। बट ये बात हम सब जानते हैं कि हम लाइफ टाइम बच्चों को सिखा नहीं सकते हैं, हमको उनको ट्रेन करना होता है। हमको जब हम उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तभी जाके हम उनको ऐसा बना पाएंगे कि वो खुद सोचे, खुद समझे और खुद सीखे। जिसको जो चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ या जो ये टॉम किड्स का मकसद ये है कि टू डेवलप अ करेक्ट थॉट प्रोसेस इन किड्स, कि बच्चे खुद सोचे, उनकी सोचने की क्षमता बढ़े एक राइट डायरेक्शन में। सो इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत लगती है। बट ये ट्रेनिंग ऑफकोर्स हम अपने आप से, अपने घर से शुरू कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत पावरफुल तरीका, एक बहुत पावरफुल स्टेप आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि सिर्फ 10 मिनट अगर आप बच्चे को दे अपने किस तरह से कैसे, तो आपका बच्चा बहुत अच्छे से घर पे ही ट्रेन हो सकता है, उसका थॉट प्रोसेस डेवलप हो सकता है। सो कौन सा ये 10 मिनट है, कौन सा टाइम है और क्या चीजें हमने इस 10 मिनट में करनी है? ये 10 मिनट बच्चों से आपने डिस्कस करना है। आपने ये जो 10 मिनट है बच्चों को जो आप देने वाले हो, जो क्वालिटी टाइम में बोल रही हूँ, इट शुड नॉट बी अ काइंड ऑफ लेक्चर। आपको सिर्फ लेक्चर या आपको कोई लेसन बच्चों को नहीं देना है। इट शुड बी द कन्वर्सेशन, एक डिस्कशन होना चाहिए या कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बच्चों को पूछने हैं जो कि उनको उनका थॉट प्रोसेस डेवलप करे। तो ये चीज कब करनी है एग्जैक्टली? जब बच्चे सोते हैं, जब उनका ना सब कुछ शेड्यूल खत्म हो जाता है, जब सोने की तैयारी होती है, तो कोई भी मम्मी या पापा कोई भी ऑलवेज हैव दिस डिस्कशन विद किड्स। तो क्या करना है, सोने के पहले बच्चों को आप लेके बैठे, अच्छे से उनसे थोड़ा सा बात करें पहले, एंड आफ्टर दैट आस्क देम दिस क्वेश्चंस। ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस है जो ऐसे है कि जो बच्चों को बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे। वेरी फर्स्ट आपको बच्चों को ये पूछना है बहुत प्यार से कि आज दिन भर में ऐसी कौन सी चीज हुई, कौन सी दो बातें, कौन सी तीन बातें या कौन सी ऐसी बात हुई जिसके लिए आप थैंकफुल हो, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो। कि कोई भी चीज हो सकती है, चाहे उनका मनपसंद खाना बन गया हो आज, या कोई चीज में अच्छे नंबर आ गए हो, या कोई फ्रेंड से बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हो, या कोई गिफ्ट मिला, कोई भी चीज हो सकती है। बट जब ये बात आप बच्चे को पूछेंगे तो बच्चे के माइंड में भी ये बात ट्रिगर करेंगे। बिकॉज ये बच्चे ऐसा है ना कि आप उनको सिर्फ लेक्चर दो कि आज आपको ये मिला, आपने थैंकफुल होना चाहिए एंड ऑल दैट, नो, ये ट्रिक बच्चों पे काम नहीं करता। वो यहां से सुन के यहां निकाल देते। जब आप उनको, या तो वो सीखते हैं कि हमसे देख के हम क्या करते हैं, या तो जब आप उनको ऐसा रिवर्स पूछते हो ना, जब क्वेश्चन पूछते हो, तो ये माइंड बच्चे के, ये चीज बच्चे के माइंड में ट्रिगर करता है, वो सोचता है। सो ये आंसर बच्चों से लीजिए एंड आस्क देम टू थैंकफुल होने के लिए, भगवान जी से, पेरेंट्स से, सबके लिए थैंकफुल होने के लिए उनको बोली। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बच्चों को पूछे कि आज दिन भर में आप अपने लिए या किसी और के लिए कौन सी चीज आपको बहुत अच्छी लगी। मे बी कोई फ्रेंड है, किसी की उनको ड्रेस अच्छी लगी, किसी की कोई क्वालिटी अच्छी लगी, किसी ने हेल्प कर दिया आपके बच्चे को, वो आपको अच्छी लगी। एंड ट्राई टू हैव दिस क्वालिटी इन योर सेल्फ कि पूछिए तो बच्चा सोचना शुरू करेगा उसके बारे में। नेक्स्ट चीज की पूछिए कि आज दिन भर में आपके इमोशंस कैसे थे। इमोशंस इन द सेंस आप डायरेक्ट पूछिए अगर बच्चा बड़ा है तो, और ये चीज हम हर बच्चे के साथ कर सकते हैं, 3 इयर्स ऑनवर्ड्स, और टीनेजर के साथ तो ये चीज और अच्छे से काम करती है। कि अगर कोई इंसिडेंस घर में होता है या छोटी मोटी बात पे नोक झोंक हो गई है या बच्चे को गुस्सा आ गया है, कहीं बच्चा रो दिया है, तो आज देम कि ये कैसे इमोशंस थे, उन्होंने क्या फील किया। ये चीजें जब आप बच्चों से डिस्कस करेंगे ना, तो एक इमोशनल बैलेंस करने के लिए ये बच्चों को बहुत हेल्प रहेगा, इमोशनल ग्रोथ उनका बहुत अच्छे से होगा, वो अपने आप को इमोशनली बहुत अच्छे से स्टेबल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए उनको कि आज दिन भर भी अगर बाहर गए हैं, अभी तो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे है, या बाहर गए स्पोर्ट्स में गए कहीं भी, कि कहीं कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ जहां उन्होंने हेल्प किया किसी का, या कहां जरूरत थी और कहां उन्होंने आगे बढ़ के किया, या वहां वो रुक गए। अगर रुक गए तो आपका ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम उनको हेल्प करने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि नहीं, मैंने करना चाहिए था। नेक्स्ट चीज आप उनको ये पूछिए कि कौन सी ऐसी चीज है, क्या वो अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं आज से, व्हाट इज देयर वन थिंग कि जो उनको और इम्प्रूव करनी है उनको लगता है। मे बी एनी सब्जेक्ट, मे बी उनको हाइट बढ़ानी है, मे बी अपना फिजिक अच्छा करना है, मे बी कोई भी चीज हो सकती है, वो हैंडराइटिंग हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है। सो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं।
और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके माइंड में हो। ओवरऑल ये है इसका मकसद कि बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। जो भी आप पूछते हैं जब मन में जाएगी ना वो चीज, जब वो दिमाग में बैठेगा तो वो सोचना शुरू करेंगे, अदरवाइज वो सोचना शुरू नहीं करेंगे। नेक्स्ट के ये सब होने के बाद एक कोई ऐसी चीज के लिए आप अपने बच्चे की तारीफ कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए कोई भी एक क्वालिटी को लेकर। मे बी उसका कोई अच्छा बिहेवियर हो, मे बी उसकी कोई डांस क्वालिटी, पेंटिंग, जो भी आपको लगता उसके लिए बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए। एक टाइट वाला हाथ दीजिए अपने बच्चे को और फिर देखिए कितना मैजिक करती है चीज। ये चीज रात में इसलिए करनी अच्छी है क्योंकि ये करने के बाद जब बच्चा सोता है, जब तक कि नींद आती है, तो वो ये सब चीजों के बारे में सोचेगा। और रात को आपको पता है कि जब हम सोते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो जब इतनी सारी अच्छी चीजें बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तो नो डाउट उसका थॉट प्रोसेस उस तरह होने के लिए शुरू हो जाएगा। सो ये ऐसी चीज है ना कि ये आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे ना अपने बच्चे के साथ, एक महीना, दो महीना, कपल ऑफ मंथ्स, उसके बाद बच्चे को खुद को ये आदत लग जाएगी। भले ही आप उसको मत पूछो बट वो खुद से बात करना शुरू करेगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, फॉर ओवरऑल पर्सनालिटी। ये हमको भी पता है कि जब हम खुद से बात करते हैं तो कितनी सारी चीजें उसमें निकल के आती है, कितना सारा डेवलपमेंट हमको अपने आप में जो करना है हमको पता चलता है, बिकॉज किसी और के सामने वो चीजें हम नहीं बोलते जितनी हम अपने आप से। और खुद से बात तो हर किसी ने करनी ही चाहिए, बहुत जरूरी है। सो ये थोड़े टाइम के लिए आपको एफर्ट्स देने हैं, उसके बाद आपका बच्चा खुद ही अपने साथ ही बात करेगा, सेल्फ रियलाइज करेगा, और देखिए कि एक वन बाय वन उसकी क्वालिटीज कितनी अच्छी होती जा रही है, जिसके लिए आप पूरा दिन भर स्ट्रगल करते हैं कि नहीं किसी की हेल्प कर ले, किसी के लिए कुछ शेयर कर ले, कुछ किसी के साथ कर ले, अच्छा कर ले, ये सब चीजें सिखाते सिखाते। हाँ, बच्चों को ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज उन्होंने आज किसी के साथ कुछ शेयर किया, कुछ टॉय या लंच या जो भी है। सो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जब आप पूछते हैं ना बच्चों को, तो एक जो वैल्यूज, जो लाइफ का वैल्यूज है, जो हमारे वैल्यूज है, उसकी तरफ बच्चों को लेके जाते हैं। तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन सबके लिए। सो थैंक यू सो मच, इस चीज का ध्यान रखिए, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।